सोलन में फिलफोर्ट फोरम संस्था द्वारा 32वीं राष्ट्रीय स्तर की 7 दिवसीय नाट्य और नृत्य प्रतियोगिता अभिनय 2018 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज क्लब के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने किया। शोभा यात्रा के दौरान सोलन के मॉल रोड पर पारंपरिक वेशभूषाओं से सुसज्जित विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकारों ने राज्यों की संस्कृति से सभी को भारत दर्शन करवाए। शहर वासियों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों को खूब सराहा और उसका खूब आनंद उठाया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 12 राज्यों की तकरीबन 35 सांस्कृतिक दलों के 600 से ज्यादा कलाकार भाग ले रहे हैं। इस मौके पर गुजरात से आई कलाकार ने बताया कि इस तरीके के कार्यक्रमों से उन्हें विभिन्न राज्यों की संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका खान पान के बारे में जानने का मौका मिलता है। भाषा अलग होते हुए भी वह एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, जिससे मित्रता की भावना जागृत होती है। जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने कहा कि क्लब द्वारा आयोजित यह आयोजन अखंडता में एकता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश भर से आए कलाकार अपने राज्यों की संस्कृति से लोगों को रूबरू करवा रहा है, जिससे लोगों को उनकी संस्कृति को जानने का मौका मिला है। ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर इंटर कल्चर, जो हमारा नेशन का मोटो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक्चुअली ऐसे प्रोग्राम के चलते ये सही होता दिखाई दे रहा है। जनरली हम लोग इतना ट्रैवल नहीं कर पाते कि हर एक स्टेट्स को स्टडी कर पाते हैं, पर यहाँ पर आके हम एक ही जगह पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को स्टडी कर रहे हैं, फोक डांस देख रहे हैं, एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी हेल्दी एटमोसफियर है। हम लोग मेनली गुजरात का जो फेस्टिवल होता है वो नवरात्रि होता है, एंड जनरली इट इज़ ऑनर टू 9 जो 9 माताएं होती हैं उनके ऑनर में ये किया जाता है। सो जनरली बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी है दे ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं, एंड सर्क्यूलर फॉर्म में जो भी माता होता है उसके सर्क्यूलर फॉर्म में ये गरबा या रास करते हैं। भारतवर्ष में जैसे कहा जाता है अखंडता में एकता, तो ये उसका एक जीता जागता जो है प्रमाण है। और यहाँ पे सोलन के लोग और जो कलाकार हैं वो भी एक दूसरे की कला का देखते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये लोग अपने आप को परफॉर्म करते हैं। अभिनय के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं होती, ये जो बात है, ये जो कहावत है वो यहाँ पे चरितार्थ होती है। पिछले 32 वर्ष से ये अभिनय कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सोलन से अमरप्रीत पुंज। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।